إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. अपने माँ बाप का घर छोड़ करके, अपनी बस्ती को छोड़ करके, अपने इलाके को छोड़ करके पहाड़ की गुफा में जाने वाले वो अल्लाह के बंदे नौजवान थे। गोया अल्लाह ताला मुसलमान नौजवानों को ये सबक दे रहा है कि ऐ मुसलमान नौजवानों, तौहीद इतनी बड़ी दौलत है और ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि इस दौलत को बचाने के लिए, इस दौलत को संभालने के लिए अल्लाह के उन नौजवान बंदों ने अपने माँ बाप की दौलत को ठुकरा दिया, अपना घर ठुकरा दिया, अपने महलों को ठुकरा दिया, अपनी हवेलियों को ठुकरा दिया और सब कुछ छोड़ करके पहाड़ की गुफा में चले गए। गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने जब अस्हाबे कहफ का वाकया बयान किया तो उस उनके नौजवान होने को अल्लाह ताला ने खास तौर से बयान किया। आज हमारा नौजवान कहां खड़ा है, हमारी नौजवान बहनें क्या कर रही, हमारे नौजवान भाई क्या कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बुराई है, कौन सी ऐसी गंदगी है, कौन सा ऐसा गलत काम है जो आज हमारा नौजवान जिसमें लिप्त नहीं है, जिसमें मुब्तला नहीं है। मेरे भाई नौजवान कैसे होते थे, कुरान करीम में अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बुतों को तोड़ देते हैं, बड़े वाले को छोड़ करके बाकी सारे बुतों को तोड़ देते हैं। और कौम के लोग जब अपने पत्थर के माबूदों का ये हाल देखते हैं तो क्या कहते हैं, कालू मन फाला हादा बी आलिहतिना इन्नहु लमिन अज़्ज़ालिमीन। कहते हैं वो कौन है जिसने हमारे माबूदों के साथ इतना बुरा सलूक किया है। कालू समेना फतन यस्कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। कौम के लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को देखा है जिसका नाम इब्राहिम है और वही इन बुतों की बुराई बयान करता है। गोया के पत्थर के बुतों को तोड़ने का काम करने वाला और अपनी जान का रिस्क लेने वाला और अपनी जिंदगी को खतरे में डालने वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नौजवान इंसान थे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, आपने अपनी जवानी की कदरों कीमत को नहीं जाना, आपने जवानी की अहमियत को नहीं जाना। जवानी की उम्र में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बुतों को तोड़ करके अपनी जान को खतरे में डाल। हमारे यहां तो साहब कहा जाता है जवानी तो मस्तानी होती है, जवानी तो ऐश करने की उम्र होती है, जवानी तो मनमानी करने की उम्र होती है। नहीं मेरे भाई, जवानी इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती टाइम है। जवानी में जिसने अल्लाह को राजी कर लिया, जवानी में जिसने तौबा कर ली, जवानी में जिसने नमाज की पाबंदी कर ली, इंशाअल्लाह वो सारी जिंदगी दीन पर कायम रहे। जवानी इंसान की जिंदगी का वो खूबसूरत टाइम है जिसका हिसाब अलग से देना पड़े। जवानी का हिसाब अलग से अल्लाह ताला लेगा कयामत के दिन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तजूल कदमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिहि यौमल कियामा। कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा, टस से मस नहीं हो पाएगा। हत्ता युसालान खमसिन, जब तक पांच सवालों का जवाब न दे दे। नंबर एक, अनुम्री फी माफना, मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा, 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की हमने तुझको जिंदगी दी थी, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल, वन शबाबी फी मामला, मेरे बंदे हमने तुझे 20 साल से लेकर के 40 साल का जो दौर दिया था, जो जवानी का दौर था, जो ताकत का दौर था, जो एनर्जी का दौर था, जो कुछ करने का दौर था, मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। जवानी का हिसाब अलग से देना पड़े। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी की कीमत को समझो, जवानी को बर्बाद मत करो, अपनी जवानी की कदर करो।
ये जवानी दोबारा नहीं मिलेगी, इस जवानी में अल्लाह को राजी कर लो मेरे भाई। जानते हो इंसान जब गर्मी से बेहाल होता है तो सबसे पहले वो तलाश करता है ऐसी जगह मिल जाए जहां उसे धूप न लगे, उसे गर्मी न लगे। भाई आप किसी खुले मैदान में जा रहे हैं और बहुत तेज धूप निकली है तो आपको क्या चाहिए? आपको साया चाहिए, आपको ठंडी ठंडी हवा चाहिए। और आज ये सूरज 9,30,00,000 मील दूर, सूरज 9,30,00,000 मील दूर है और उस पर से गर्मी का ये आलम है कि काठमांडू जैसे शहर में जो ठंडा शहर माना जाता है वहां पर भी लोग दिन में जब चलते हैं तो धूप ज्यादा होती है, लोग हाथ में छाता लेके चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, एसी में चलते हैं, गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती मेरे भाई। कयामत के दिन सूरज 9,30,00,000 मील की दूरी पर न होगा बल्कि 1 मील की दूरी पर होगा। पसीने से लोग इस कदर बेहाल होंगे, कोई अपने टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा। कयामत के दिन की उस गर्मी के आलम में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कयामत के दिन 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। जिस दिन अल्लाह के साये के अलावा कोई साया न होगा उस दिन अल्लाह ताला अपने उन 7 बंदों को अपना साया अता फरमाएगा। उन 7 बंदों में एक वो इंसान भी होगा, फरमाया वशाफी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, जिसने जवानी में इबादत करके अल्लाह को राजी किया हो। यह इबादत कौन कर रहा है? यहां तो हमारे नौजवानों की रातें हराम चीजों में गुजर रही हैं। कितने नौजवान हैं रात में बैठ करके मोबाइल पर गंदी चीजें देखना, गैर महरम लड़कियों से चैटिंग करना, मोबाइल का नाजायज इस्तेमाल करना उनका शेवा बन चुका है, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, शराब और शबाब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मेरे भाइयों याद रखो, ये वो गुनाह जो आप रातों में कमरे बंद करके अपने बेडरूम में बैठ करके करते हैं, इन गुनाहों से मेरे भाइयों हमें और आपको डरना चाहिए। इंसान अगर पब्लिक के सामने, लोगों के सामने बड़ा नेक है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, लेकिन अकेले में और तन्हाई में अगर वो गुनाह के काम करता है तो ये बहुत खतरनाक बात है। और ऐसे इंसान की नेकियां कयामत के दिन उसके मुंह पर मार दी जाएगी। और अहले हदीस का स्टेज है, बगैर दलील के यहां कोई बात नहीं कही जाती। आइए मैं दलील आपको सुना देता हूं। इब्ने माजा की सही रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरते सौबान रजी अल्लाह तआला से फरमाते हैं, ऐ सौबान लआलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामा, ऐ सौबान कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग मेरी उम्मत के आएंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर वो नेकी लेकर के आएंगे। फयजअलू अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला हबा मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को उड़ा देगा, उनकी नेकियों को गर्दो गुबार में तब्दील कर देगा। हजरते सौबान डर गए, कहा अल्लाह के नबी सिफहुम लना वजल्लहिम लना, ऐ अल्लाह के नबी जरा और क्लियर करके बता दीजिए, अन ला नकून मिनहुम, ताकि हम उनमें से ना हो जाएं, ताकि हम उनमें से ना हो जाएं। सौबान ने, हजरते सौबान ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, कहा कि अल्लाह के नबी उनकी क्वालिटी बता दीजिए, उनकी उनकी सिफत बता दीजिए, ताकि हम उनमें से ना हो जाएं। आज हमें दूसरों के छोटे छोटे ऐप नजर आ जाते हैं, अपने बड़े बड़े ऐप पर हम पर्दा डालते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक पर बैठ करके कमेंट बाजी करना,
दूसरों के कामों पर कीचड़ उछालना, दूसरों के कामों में कीड़े निकालना, दूसरों के सही कामों पर तनकीद करना, यह आज हमारी फितरत बन चुकी है। हम दूसरों के लिए जज बन जाते हैं और अपने लिए वकील बन जाते हैं। माफ करना मेरे भाइयों, ये नबी के सहाबा का तरीका नहीं था। नबी के सहाबा पहले अपने गरीबानों में झांकते थे, पहले अपनी फिक्र करते थे। हजरत सौबान ने कहा, अय अल्लाह के नबी पहले बताइए वो कौन लोग होंगे ताकि हम उनकी तरह ना हो। आपने फरमाया, अय सौबान वो तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारी जैसे नमाज पढ़ने वाले होंगे, रोजा रखने वाले होंगे, रात में इबादत करने वाले होंगे, बस एक बात की कमी होगी। वलाकिन्नहुम इदा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। पब्लिक के सामने तो बड़े नेक होंगे, हर जलसे में जाएंगे, हर तकरीर सुनेंगे, उलमा से के साथ सेल्फी भी लेंगे, उलमा से मोहब्बत भी करेंगे, बजाय तो बड़े नेक होंगे, बड़े दीनदार होंगे, मगर उनके मोबाइल की ब्राउजर की हिस्ट्री बताएगी, उनके व्हाट्सएप की चैटिंग बताएगी, वो रातों में बैठ करके गंदे काम कर रहे होंगे। वलाकिन्नहुम इजा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हा में होंगे, तो वो नाजायज काम करेंगे, वो गलत काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे। अपनी तन्हाई को गुनाहों से बचा लो मेरे भाई। दुनिया में हम देखते हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों में, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, हर जगह आजकल कैमरा लगा होता है। ये कैमरा क्यों लगा रहता है? इस कैमरे का नाम है सिक्योरिटी कैमरा। यह कैमरा जहां लगा है तो चोर भी चोरी करने से डरता है। किसी लड़की को छेड़ने वाला हजार बार सोचता है कि नहीं यार, कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्ड हो जाएगा। दुनिया में इंसान का बनाया हुआ कैमरा आज इंसान को गलत काम करने से रोक रहा है। इंसान डरता है कि नहीं भाई, रिकॉर्ड हो रहा है। मैं कहता हूं ये इंसान का बनाया हुआ कैमरा है, ये तो खराब भी हो सकता है, ये तो बेकार भी हो सकता है। इस कैमरे में जो चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, हो सकता है एक महीने के बाद वो डिलीट हो जाएं, मगर एक कैमरा ऐसा भी है जो हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है और 24/7 रिकॉर्ड कर रहा है, हर वक्त को रिकॉर्ड कर रहा है। और वो कैमरा कभी खराब होने वाला नहीं, वो कैमरा कभी बर्बाद होने वाला नहीं। और वो कैमरा कौन सा कैमरा है? फरमाया, वो इन्ना अलैकुम लहाफिजीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए किरामन कातिबीन को तुम्हारे ऊपर मुकरर कर दिया है, जो तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक अमल को लिख रहे हैं। हम जब रास्ता चलते हैं ना, अब ये औरतें भी जलसे में माशाल्लाह आई हुई हैं, लेकिन अफसोस के साथ और माजरत के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां जलसे में भी मेले वाला माहौल है। इधर जलसा हो रहा है, उधर दुकानें लगी हैं, चूड़ी बिक रही है, खिलौने बिक रहे हैं, औरतें और नौजवान लड़कियां वहां पे खड़ी हैं, फिर वहां पे लड़के भी खड़े हैं और साफ तमाशा बना के बैठे। हमारे मुंतजमीन से भी मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं। मैं बिहार के जलसों में भी जाता हूं, बाज जगहों पर लोगों ने सख्ती की, जलसे के पहले ऐलान कर दिया कोई मेला वेला नहीं लगेगा, कोई दुकान नहीं लगेगी। दो चार जगहों पर ऐसा किया गया, उसका असर भी हुआ है। आपके नेपाल में मैं देखता हूं, जहां भी जलसा होता है वहां मेले वगैरह जरूर लगते। इस पर आपको थोड़ा रोक लगाने की। अब औरतें जा रही हैं रास्ते, अब आप गुजर रहे हैं वहां, अब आप बजाहिर आपकी नजर सामने है, मगर कंखियों से आप कहीं और देख रहे हैं। आपकी कंखी निगाहें कहीं और हैं, आपकी नजर उन औरतों पर पड़ रही है, लेकिन बजाहिर ऐसा लग रहा है कि आप सामने देख रहे हैं। इसको कहते हैं निगाहों की चोरी। अल्लाह कुरान में कहता है, या लमू खाइनतल आयुन वमा तुक्तुबिस सुदूर। अल्लाह का कैमरा इतना
इतना शानदार है, अल्लाह का कैमरा तो ये भी देख रहा है कि तुम्हारी नजर कहाँ पड़ रही है, तुम आंखों की चोरी करते हो, तो अल्लाह उसको भी जानता है। वमा तुख्फि सुदूर, तुम्हारे सीने में क्या चल रहा है अल्लाह को वो भी पता है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है अल्लाह को वो भी मालूम है। अल्लाह का डर आज हमारे नौजवानों के अंदर से निकल रहा है। हमारे नौजवान आज बड़ी तादाद में शिर्क कर रहे हैं, गैर अल्लाह के आगे सर झुका रहे हैं। कितनी हमारी औरतें हैं, बच्चा बीमार हो गया किसी ढोंगी बाबा के पास, किसी ओझा के पास, किसी शिरकिया मंत्र पढ़ने वाले के पास जाकर के अपने बच्चे को दम करवा रही हैं, बच्चे के गले में तावीज डलवा रही हैं। आज मुसलमान के घर में शिर्क हो रहा है, इससे बड़ा पाप कोई और नहीं हो सकता। मेरा दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है, और आज हमारे मर्दों के अंदर भी और औरतों के अंदर भी शिर्क हो रहा है। और ये पेशेंगोई अल्लाह के नबी ने बयान की थी कि मेरी उम्मत के अंदर ऐसे हालात भी आएंगे, मेरी उम्मत के अंदर शिर्क किया जाएगा। आपने फरमाया ला तकूमु सातु हत्ता तलहक कबाइल मिन उम्मती बिल मुशरिकीन व हत्ता याबुदुल औतान। कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के अंदर शिर्क न होने लगेगा, मेरी उम्मत के अंदर बुतों की पूजा न होने लगेगी। और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100-125 साल पहले बड़ा सही नक्शा खींचा था। 100 साल गुजर गए मगर ऐसा लगता है मौलाना हाली ने आज के हालात को सामने रख करके ये सब ये नक्शा खींचा था। बहुत सारे काम हमारे गैर मुस्लिम भाई करते हैं, उनके मंदिरों में होता है, उनके इबादत गांव में होता है, हम कहते हैं साहब ये गलत हो रहा है, शिर्क हो रहा है, और वही काम मुसलमान मजारों पे जाके करता है और कब्रों पे जाके करता है उसको सही कहता है। मौलाना हाली कहते हैं करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। मुसलमान के घर में आशिर्क हो रहा है। मेरे भाइयों सबसे पहले अपने घरों को शिर्क से पाक। मैं कहता हूं हमें अगर अपने परिवार से मोहब्बत है, अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत है, क्या हम कभी गवारा करेंगे कि हम तो जन्नत में चले जाएं और हमारे बीवी बच्चे जहन्नम की आग में चले जाएं? अरे जहन्नम की आग छोड़ दो, अगर किसी के बच्चे की उंगली कट जाए, किसी की बीवी को जरा सी चोट लग जाए, शौहर बेचैन हो जाता है, बाप बेचैन हो जाता है, अपने बाल बच्चों को हम जरा सी तकलीफ में नहीं देख सकते। मेरे भाइयों हम जहन्नम की आग में अपने बच्चों को जलता हुआ कैसे देख सकते हैं? इसलिए अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करो, उनके अकीदे की फिक्र करो, उनकी तौहीद की फिक्र करो, और देखो कहीं तुम्हारे बच्चे शिर्क तो नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी बीवी कहीं शिर्क तो नहीं कर रही है। अगर कहीं हो रहा है उस पर पहले रोक लगाओ। मेरे प्यारे साथियों शिर्क करने वाला अल्लाह की तौहीन करता है, अल्लाह की नाकदरी करता है। शिर्क करने वाला अल्लाह को छोड़ करके किसी और से जब मांगता है अल्लाह की तौहीन करता है। और इसीलिए अल्लाह सूरह हज के अंदर फरमाता है, एक बड़ी प्यारी मिसाल देते हुए अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नास ضرب مثل فاستمعوا له। ऐ लोगों अल्लाह ताला एक मिसाल दे रहा है, गौर से सुनो। इन الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا। तुम अल्लाह को छोड़ कर के जिनको पुकारते हो वो एक मक्खी पैदा करने की ताकत भी नहीं रखते। وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه। और मक्खी अगर उनकी कोई खाने पीने की चीज लेकर के चली जाए वो मक्खी से वो
चीज छीन नहीं सकते हैं। ज़ौफ़ुत तालिबु वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। कमजोर कमजोर से मांग रहा है, बंदा बंदे से मांग रहा है। मा कदरुल्लाह हक कद्रिहि, ओ लोगो तुमने अल्लाह की कद्र न की जैसी करनी चाहिए। शिर्क करने वाला अल्लाह की नाकदरी करता है, अल्लाह की तौहीन करता है। इसलिए सबसे पहले मेरे भाइयों अपनी तौहीद की हिफाजत करो, अपने दीन की। हमारे नौजवान एक बड़ी तादाद में, आज हमारे नौजवानों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। उनकी जिंदगी का सिर्फ तीन मकसद है, खाओ पियो एंजॉय। खाना पीना और एंजॉय करना ये जिंदगी का मकसद बना के बैठे हैं। माफ करना मेरे भाई, खाना पीना और एंजॉय करना ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। अगर ये मकसद होता तो फिर हमारे और जानवरों के बीच में क्या फर्क है। जानवर भी अपनी शहवत पूरी करता है, जानवर भी खाता है पीता है और जानवर भी मौज मस्ती करता है। हम इंसान हैं और अल्लाह ने हमें और आपको क्यों पैदा किया? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ नबी आप बता दीजिए मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ताला के लिए है। मैं अल्लाह ताला के लिए जीता हूँ और अल्लाह ताला के लिए मरूंगा। मेरी नमाज अल्लाह ताला के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए। मेरे भाइयों हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है, और अगर ये मकसद हम पूरा नहीं कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा, हमारी जिंदगी बेकार है। दुनिया की हर चीज अपने मकसद को जब पूरा नहीं करती है हम उसे उठा के फेंक देते हैं, और जो चीज अपने मकसद को समझती है वही कामयाब होती है। कभी आप गौर कीजिए, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पर आप फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाते हैं, मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, मोबाइल पर कैलकुलेटर भी है, मोबाइल पर गेम भी है, मोबाइल पर अला बला बहुत सारी चीजें हैं। मगर कभी आप गौर कीजिए, जब मोबाइल पर कॉल आती है, जब किसी का फोन आता है, वीडियो पीछे चला जाता है, फेसबुक पीछे चला जाता है, व्हाट्सएप पीछे चला जाता है, कॉल ऊपर आ जाती है, क्योंकि मोबाइल को भी पता है कि मेरा असल मकसद कॉल करना और एक दूसरे से बात करना है। मोबाइल पर कॉल ऊपर आ जाती है। मेरे भाइयों क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि एक मोबाइल को तो पता है कि मेरा मकसद है, मेरा मकसद क्या है, मेरी तखलीक का मकसद क्या है, मुझे क्यों बनाया गया है, और इससे बढ़ के बदनसीबी क्या होगी कि इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद न पता हो और इंसान सिर्फ खाने कमाने और एंजॉय करने और मौज मस्ती करने में अपनी जिंदगी गुजार दे। मेरे नौजवान साथियों अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो और आगे बढ़िए। हमारे कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो दुनिया कमाने के चक्कर में इतने बिजी हो गए कि उनको आखिरत के लिए कोई टाइम नहीं मिलता। उनका कारोबार चल रहा है, उनकी दुकान चल रही है, उनकी जॉब चल रही है, पांच टाइम की अजान मस्जिद में हो रही है, मुअज्जिन बार बार कह रहा है हैया अलस्सलाह हैया अलल फलाह, मुअज्जिन नमाज की तरफ बुला रहा है, मुअज्जिन कामयाबी की तरफ बुला रहा है, ये दुकान छोड़ के जाने को तैयार नहीं है, ये कारोबार छोड़ के जाने को तैयार नहीं है, ये दुनिया में इतना मगन है अपनी आखिरत के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोच रहा है। मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो कारोबार भी करते हैं, जो तिजारत भी करते हैं, जो अपनी दुनिया के लिए फिक्र करते हैं लेकिन आखिरत को सबसे ऊपर रखते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारत वला बयून अन जिक्रिल्लाह, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, मेरे नेक बंदे वो हैं जिनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता, जिनकी तिजारत उनको नमाज से गाफिल नहीं करती है। या खाफून यौमन ततकल्लबु फील कुलूब वल अबसार, वो कयामत के दिन से डरते हैं, वो उस दिन से डरते हैं जिस दिन कलेजे हिल जाएंगे, जिस दिन आंखें अपनी जगह से हट जाएंगी और दिल अपनी जगह से हट जाएंगे। कयामत के दिन का डर अगर दिल में होगा मेरे भाइयों इंसान आखिरत की फिक्र करेगा, इंसान दुनिया के लिए दुनिया के अंदर इतना डूब नहीं जाएगा कि आखिरत को भूल जाए। आज अफसोस की बात, हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं
उनके पास दुनिया की बड़ी नॉलेज है, उनसे आप पॉलिटिक्स की बात कर लो बड़ी नॉलेज है, दुनिया की बातें पूछ लो बड़ी नॉलेज है, क्रिकेट के बारे में पूछ लो बहुत जानकारी है, बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में पूछ लो बहुत जानकारी है, मगर नमाज का तरीका पूछ लो नहीं मालूम। कितने नौजवान ऐसे हैं बाप मर जाए बाप के जनाजे पर खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ने का तरीका भी उनको नहीं आता है, उनको जनाजे की दुआएं भी नहीं आती है। मेरे प्यारे साथियों, इससे बढ़ के बदनसीबी क्या हो सकती है। एक मुसलमान इस कदर दीन से दूर हो, उसे अपने दीन का बेसिक इल्म भी ना हो, इससे बढ़ के बदनसीबी क्या हो सकती है। अल्लाह कुरान में कहता है, यालमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया वहुम अनिल आखिरतिहुम गाफिलून। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के बड़े जानकार होते हैं, दुनिया की बड़ी नॉलेज उनके पास होती है, लेकिन आखिरत से बिल्कुल दूर होते हैं, बिल्कुल गाफिल होते हैं। और आगे हमारे नौजवानों में एक बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों की भी है जो जिनाकारी और बदकारी की गंदगी में मुलव्वस है। और मैं नेपाल की सरजमीन पर बैठकर बड़े बहुत एतमाद के साथ ये बात कर रहा हूं कि आज हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों को जिनाकारी और बदकारी के गड्ढे की तरफ लेके जाया जा रहा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अगर अपने नबी से मोहब्बत करते हो, अगर अपने नबी से प्यार करते हो, तो आपके प्यारे नबी ने दो चीजों की गारंटी आपसे मांगी है, और इस गारंटी को अगर आपने पूरा कर दिया तो जन्नत की गारंटी दी है। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, मैं यज़मन ली मा बैन लहयैही व मा बैन रिजलैही अज़मन लहुल जन्नत। जो मुझे अपनी जुबान की गारंटी दे दे और जो मुझे अपनी शर्मगाह की गारंटी दे दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। और अल्लाह के नबी को मालूम था कि जब एक नौजवान जवानी की दहलीज पर पहुंचता है तो उसके जिस्म के अंदर होने वाली तब्दीलियां ये तकाजा करती हैं कि उसकी इस ख्वाहिश को पूरा किया जाए। और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस्लाम ने निकाह का सिस्टम रखा है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने नौजवानों को खिताब करते हुए फरमाया, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुम अलबात फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, जब तुम शादी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओ, तो तुम निकाह कर लो। जब तुम शादी कर लोगे, जब तुम निकाह कर लोगे, फइन्नहु गज़ुलिल बसर व अहसनु लिल फर्ज, तो तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी और तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। एक इंसान अगर शादी के काबिल हो गया, शादी की जिम्मेदारी उठाने के लायक हो गया, तो उसकी शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? शादी करके होगी। भाई हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए, तो आप हमारे सामने बेहतरीन से बेहतरीन चीजें ला के दे दें, जब तक हमारी भूख न मिटेगी हमारा पेट न भरेगा। एक इंसान शादी के काबिल है, शरीयत कह रही उसकी शादी करा, मगर आज हमारे समाज में शादी ब्याह के सिस्टम को, मेरी माए बेटी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों की शादी सही टाइम पर कराओ। ये सहाबा का दौर नहीं है, ये नबी का दौर नहीं है, ये फितनों का दौर है, ये गंदगी का दौर है, ये जिनाकारी का दौर है। अपने बच्चों और बच्चियों को अगर गंदगी से बचाना है, उनकी सही टाइम पर शादी करो और शादी को आसान करो। ये जहेज की रस्म, ये हल्दी की रस्म, ये मंगनी की रस्म, ये बारात की रस्म, ये लंबे चौड़े खर्च की रस्म, एक दिन की खुशी के लिए लाखों खर्च करने की रस्म, या लड़की का बाप अपनी लड़की की शादी करने के लिए जमीन जायदाद बेच देता है, बैंक से लोन लेकर के शादी करता है, और अपने आप को हम अहले हदीस भी बोलते हैं और कुरान और हदीस पर चलने का दावा भी करते हैं। मेरे भाइयों, अगर हम ये दावा करने के बावजूद अगर हमारी शादियों में जहेज का लेन देन हो रहा है, हमारी शादियों में ये रस्म और रिवाज बनाए जा रहे हैं,
तो माफ कीजिएगा, हम अहले हदीस नहीं हैं, अहले हदीस के नाम पर हम कलंक हैं। अहले हदीस सिर्फ सीने पर हाथ बांधने का नाम नहीं है, सिर्फ आमीन जोर से बोलने का नाम नहीं है, सिर्फ 8 रकात तरावी पढ़ने का नाम नहीं है। अहले हदीस तो उस इंसान को कहते हैं जो अपनी इबादात में, अपने मामलात में, अपने तमाम मामलात में वो किताब और सुन्नत की पैरवी करे। मेरे भाइयों, अपने निकाह को आसान करो, रस्म और रिवाज की बेड़ियों से अपने आप को आजाद करो और अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी करो। और शादी की बात आई है तो ये भी आपको बता देना चाहता हूँ, शादी में दीनदारी को देखा। मेरी माओ, जब आप बहू तलाश करने जाओ तो आप हूर परी जैसी बहू लाने के बजाय दीनदार लड़की को बहू बना के लाओ। और जब आप अपनी बेटी के लिए दामाद देखने जाओ तो शानदार हवेली देखने के बजाय और बेहतरीन सर्विस और नौकरी और बेहतरीन पैसा देखने के बजाय दीनदारी को देखो। इंशाअल्लाह वो दीनदार लड़का आपकी लड़की को खुश रखेगा और वो दीनदार बहू आपके घर में आकर के आपके घर को रोशन कर देगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुन कहुल मरातुल अरबईन, जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा, माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है और खानदान देखा जाता है और दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फजफर बिजाति दीन तरीबत यदा, दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ। दीनदार औरत जब घर में आएगी, सास को माँ का दर्जा देगी, ससुर को बाप का दर्जा देगी, शौहर की खिदमत करेगी, अपने बच्चों की सही तरबियत करेगी और खूबसूरती और आपने रंग रूप देखा होगा, घर में आकर के वो घर का माहौल खराब कर डालेगी, शौहर को बर्बाद कर डालेगी, बच्चों की न सही तरबियत करेगी न घर के अंदर दीनदारी पैदा करेगी। मेरे प्यारे भाइयों, घर के अंदर दीनदार औरत को आप निकाह करके लाइए। और जब दीनदार औरत घर में आएगी तो आप याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नेक औरत होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया मताउन व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत होती है। और नेक औरत की पहचान क्या होती है? नबी से पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, सबसे अच्छी औरत कौन सी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेहतरीन औरत वो है जिसके अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। बेहतरीन औरत की निशानी 3 चीजें हैं, अल्लती तसुरहु इजा नजर व तुतीहु इजा अमर वला तुखालिफहु फी नफ्सिहा व मालिहा मा यकरा। बेहतरीन औरत वो है शौहर देखे तो खुश हो। ये जलसे में बन संवर के जा रही हैं, ये शादियों में मेकअप करके जा रही हैं, ये फंक्शंस में ये घूमने फिरने के लिए सज संवर के जा रही हैं और शौहर के लिए कभी अपने आप को सजाया नहीं, कभी अपने आप को सवारा नहीं। अगर ऐसी औरतें ये शिकायत करती हैं कि मेरा शौहर मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरे शौहर को मेरी परवाह नहीं है, तो ऐसी औरतों की शिकायत फजूल है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि शादीशुदा औरत अपने शौहर के लिए मेकअप करे, अपने शौहर के लिए सजे और संवरे। अल्लती तसुर हुई इजा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। और दूसरी चीज क्या है? वह तुती हुई इजा व इजा अमर, जब शौहर कोई बात कहे तो बीवी बात माने, बीवी शौहर की फरमा बरदार हो। मेरी माए बहने गौर से सुन लें, बाज औरतें ऐसी होती हैं हर जलसे में जाती हैं, हर तकरीर सुनती हैं, हर प्रोग्राम में जाती हैं, जुमा के खुतबे में जाती हैं, बड़ी नेक होती हैं, बड़ी दीनदार होती हैं, मगर शौहर की एक बात नहीं मानती, शौहर के साथ इज्जत से बात तक नहीं करती, शौहर को अपनी उंगली पर नचाने का काम करती हैं। ऐसी औरतें कान खोल करके सुन लें, एक शादीशुदा औरत जब तक अपने शौहर की बात ना माने, उसकी इताअत ना करे, उसको खुश ना रखे, वो जन्नत में नहीं जा सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये दूसरी निशानी है कि औरत अपने शौहर की बात माने। और तीसरी निशानी क्या है? कि जब शौहर शौहर की के माल की और अपने इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, कोई ऐसा काम न करे अपने बारे में जो शौहर को बुरा लगे और शौहर के माल को बेतहाशा खर्च करे। मेरे भाइयों, निकाह के मौके पर आप दीनदारी को तरजीह दीजिए। और मैं यहाँ ये भी बता देता हूँ आपको, बाज लोग क्या करते हैं साहब, बेटी की शादी ऐसे परिवार में करते हैं, लड़का शराबी है, लड़का बदकार है, लड़का कब्र परस्त है, और ये अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करता है
और पूछो क्यों करता है, तो कहते साहब लड़के का खानदान बड़ा अच्छा था, लड़के का घर बहुत अच्छा था, लड़का सरकारी नौकरी में था, लड़का बहुत पैसे वाला था। ये सारी चीजें देख करके आपने अपनी बेटी की शादी किसी शराबी से, किसी जानी से और किसी मुशरिक से कर दी। मेरे भाइयों, एक बकरी का बच्चा भी हम पालते हैं और कभी उसे बेच देते हैं तो सोचते हैं कि इसको हमने बड़ी मोहब्बत से पाला है, ऐसे इंसान को बेचे उस बकरी के बच्चे को के ऊपर जुल्म न करे। जानवर के ऊपर भी हम तरस खाते हैं, अपनी फूल जैसी बच्चियों को पालते हो, पोसते हो, उनके हर शौक और अरमान पूरे करते हो, और जब वो बेटी शादी के काबिल हो जाए तो किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के हवाले कर देते हो, किसी शराबी के हवाले कर देते हो, किसी जानी के हवाले कर देते हो। माफ करना मेरे भाइयों, तुमसे अच्छे तो अरब के वो लोग थे जो अपनी बेटियों को पैदा होने के बाद जमीन में जिंदा गाड़ देते थे, आपने जवान होने के बाद अपनी बेटियों को जहन्नम में डाला है। नहीं मेरे भाइयों, जब बेटियों का रिश्ता देखने जाओ तो शराब और जानी से अपनी बेटियों का रिश्ता न करो। बाज़ लोग कहते साहब हमारी बेटी जाके माहौल सही कर देगी, हमारी बेटी सुधार देगी, हमारी बेटी शराबी को सही कर देगी, जानी को सही कर देगी। माफ करना मेरे भाइयों, आपकी बेटी कोई सर्फ एक्सेल नहीं है, कोई एरियल पाउडर नहीं है, वो लोगों की गंदगी को जाके साफ करेगी, वो शराबी को जाके सही कर देगी। मैंने रोते हुए देखा है बेटियों को, माँ बाप की गलती की सजा बेटियों को रोते हुए और भुगतते हुए मैंने देखा है। जब आप अपनी बेटी के लिए दामाद देखने जाएं तो दीनदारी को देखा करें मेरे भाइयों, दीनदार और नेक लड़के को अपना दामाद बनाएं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इजा खतब इलैकुम मिम्मन तरदून दीनहु व खुल्कहु फज़व्विजूहु। जब तुम्हारी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, लड़का अच्छा है, फज़व्विजूहु, तो तुम अपनी बेटी की शादी उससे कर दो। इल्ला तफालू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी, तो जमीन के अंदर फितना और फसाद फैल जाएगा, जमीन के अंदर बिगाड़ फैल जाएगा, और आज वो बिगाड़ फैल चुका है। मेरे प्यारे साथियों, रिश्ते नाते में दीनदारी को तरजीह न देने की वजह से आज मामला बेहद खराब हो रहे हैं, और निकाह को मुश्किल करने की वजह से जिना इतना आसान हो गया है कि होटलों के अंदर चंद रुपयों में आज जिनाकारी हो रही है, और आज निकाह करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हमारी नौजवान नस्ल जिनाकारी की तरफ जा रही है, और जब जिना की बात आई है तो ये भी कान खोल करके सुन लो, सिर्फ जिना हराम नहीं है, जिना तक लेके जाने वाले चोर दरवाजे भी हराम है, जिना तक लेके जाने वाले चोर दरवाजे भी हराम है। घर में अगर देवर भाभी के बीच में पर्दा नहीं है, घर में अगर जीजा साली के बीच में पर्दा नहीं है, घर में अगर चाचा के लड़के, मामा के लड़के, खाला के लड़के से आपकी लड़की पर्दा नहीं करती है, तो ये भी आप अपने बच्चों को जिनाकारी की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरे भाइयों, जिस तरीके से आप अपने मोहल्ले के और समाज के लड़कों से अपनी जवान बेटी को बचाते हैं, उसके खाला के लड़के, उसके मामू के लड़के, उसके चाचा के लड़के भी उसके लिए गैर महरम हैं, और उनसे भी आपको बचाना है। आज अफसोस की बात है, मुसलमान के घर में महरम गैर महरम का कोई फर्क नहीं है, मोहल्ले के जवान लड़के आते हैं और आपकी बेटी उनसे कोई पर्दा नहीं करती, उनके साथ हंसी मजाक हो रहा है, बातचीत हो रही है, ये सारी चीजें घर को गंदगी की तरफ लेके जाती हैं, समाज को जिनाकारी की तरफ लेके जाती हैं। और यही नहीं, घरों के अंदर पहनावा कैसा है, आपकी बेटी कपड़ा कैसा पहनती है, आपकी बहन और आपकी बीवी कपड़ा कैसा पहनती है, ये भी बहुत मैटर करता है। आप नेपाल जैसे मुल्क में रहते हैं, आप अगर किसी बड़े शहर में रहते हैं और फैशन वाले कपड़े आपके घर में पहने जा रहे हैं, और वो कपड़े जिन कपड़ों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, वह निसाउन कासियातुन आरियातुन ममीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें कि जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, जिनका कपड़ा उनके जिस्म को जाहिर करेगा, उनका जिस्म नजर आएगा, ऐसा कपड़ा पहनने वाली औरतें जहन्नम में जाएंगी। माफ करना मेरे भाइयों, अगर ऐसा कपड़ा आपके घर में पहना जाता है, वो कपड़ा पहनने वाली लड़की बाद में गुनहगार होगी, उससे सवाल बाद में किया जाएगा, पहले बाप से सवाल होगा उसने बेटी को ऐसा कपड़ा ला के कैसे दिया, पहले भाई से सवाल होगा उसने बहन को ऐसा कपड़ा ला के कैसे दिया, पहले शौहर से सवाल होगा उसने बीवी को ऐसा कपड़ा ला के। मेरे भाइयों, अगर आज हमारी औरतों के अंदर
बेहयाई आ रही है तो ये एक तरफा मामला नहीं है। हमारे मर्द हजरात भी बेगैरत हो रहे हैं। जब मर्द बेगैरत होता है तब औरत बेहया होती है। इसलिए अगर औरतों को हयादार बनाना है, औरतों के अंदर शर्म और हया को पैदा करना है तो मर्दों को बागैरत बनना पड़ेगा, मर्दों को गैरत वाला बनना पड़ेगा। जिस समाज के मर्द बेगैरत हो जाएं, जिस समाज के मर्द दयूस हो जाएं, जिनके घरों में बेहयाई का काम हो और मर्दों को कोई फर्क न पड़े तो उस समाज में मेरे भाइयों गंदगी आम होती चली जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि तीन लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन न तो देखेगा, न बातचीत करेगा, न पाक और साफ करेगा। उन तीन लोगों में कोई इंसान भी होगा अद्दयूस अल्लज़ी युकिरु फी अहलिल खुबुस, वो बेगैरत इंसान, वो दयूस इंसान, वो बेशरम इंसान जिसके घर में गलत काम हो रहा हो और उसको कोई फर्क न पड़ता हो, उस बेगैरत से भी अल्लाह ताला कयामत के दिन नाराज हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, जिनाकारी और बदकारी से अगर अपने घरों को बचाना है तो हमें और आपको अपने अंदर गैरत पैदा करनी होगी और घर की औरतों को शर्म हया से आरास्ता करना पड़ेगा। और दो चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूँ, 10 मिनट का टाइम मेरे पास बचा है। एक और चीज हमें समाज के अंदर देखने को मिलती है, हमारे समाज में इस वक्त हम नेपाल में बैठे हुए हैं। कल मैं मौलाना जलालुद्दीन कासमी साहब के साथ मेरा प्रोग्राम नेपाल के लुम्बिनी में था। कासमी साहब कहने लगे, मौलाना जब सोनोली बॉर्डर हमने क्रॉस की है दाहिनी तरफ भी शराब की दुकान है, बाएं तरफ भी बॉर्डर के अंदर दाखिल होते ही शराब की दुकानें शुरू हो जाती हैं। शराब किस कदर आम है और ये शराब पीने वाला सिर्फ काफिर नहीं है, सिर्फ मुशरिक नहीं है, ये शराब पीने वाला मुसलमान भी है और बड़ी तादाद में मुसलमान नौजवान शराब पी रहा है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, ये शराब की लानत, ये नशे की लानत आपके घर को बर्बाद कर रही है, आपकी रोजी रोटी को बर्बाद कर रही है। जब शराब पी करके नौजवान घर में आएगा, आज हमारे नौजवानों को शराब की लत बर्बाद कर रही है। और शराब एक ऐसी चीज है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने कहा करते थे, इन्नल खम्र उम्मुल खबाइस, ये तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। एक इंसान जब शराब पी लेगा वो जिना भी कर सकता है, शराब पी करके इंसान कत्ल भी कर सकता है। शराब पी करके आज कितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और आज हमारे नौजवान इस शराब की लानत में गिरफ्तार है। मेरे भाइयों, एक मुसलमान के लिए बस इतना काफी है कि उसके रब ने कुरान में जब शराब को हराम किया तो सिर्फ इतना नहीं कहा कि शराब मत पियो, बल्कि अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनु इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ए ईमान वालों, ये शराब और जुआ ये गंदे काम है, ये शैतान के काम है। फजतनिबूहु, तुम इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। इन्नमा युरीदुश शैतान अन युकिया बैनकुमुल अदावता वल बगदा फिल खम्र वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह, शैतान ये चाहता है तुम शराब पी करके और जुआ खेल करके एक दूसरे से लड़ाई करो, एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। और शैतान ये चाहता है तुम शराब के नशे में पड़ करके अल्लाह के जिक्र से और नमाज से दूर हो जाओ। जितनी देर इंसान नशे की हालत में रहेगा वो नमाज से दूर रहेगा, अल्लाह के जिक्र से दूर रहेगा। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, शराब को तर्क कर दो, शराब को छोड़ दो, शराब से अपने आप को बचाओ, अपने घर और परिवार को बचाओ। ये ऐसी लत है जो आपके घरों को बर्बाद कर देगी। और अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि जो इंसान शराब पिएगा, अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने अपने जिम्मे वादा करके रखा है कि जो शराब पिएगा अल्लाह ताला उसको जहन्नमियों का पीप और मवाद पिलाएगा, उसे जहन्नमियों का गंदा खून पिलाया जाएगा, उसे जहन्नमियों का पीप और मवाद पिलाया जाएगा। आज शराब की ये लानत भी, मैं अभी फ्लाइट से आ रहा था काठमांडू से जनकपुर के लिए, तो मेरे आसपास में दो चार बेवड़े जो है शराबी लग रहा है वो बैठे हुए थे और शराब की जो गंध होती है, जो महक होती है, वो मुझे परेशान कर रही थी।
जो इंसान शराब की महक, जो शराब नहीं पीता है और जो शराब को हराम समझता है उसे शराब की महक भी बर्दाश्त नहीं होती है। मेरे प्यारे साथियों, अपने ईमान को इतना मजबूत करो कि आपके घर में और आपके परिवार में ये लानत ना आए और शराब की इस लानत से अपने आप को और अपने घर वालों को बचाओ। और आखिरी चीज यही कहूंगा मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान के 28वें पारे में हमें और आपको ये पैगाम दिया है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अगर हमें और आपको अपने घर परिवार से मोहब्बत है, अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत है और हम उनकी चिंता करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, तो मेरे भाइयों उन्हें जहन्नम की आग से बचाने की भी हम फिक्र करें। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे। रब्बुल आलमीन जिन बुराइयों की तरफ इशारा किया गया है इन तमाम बुराइयों से हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी माओ बहनों की भी इस्लाह फरमा दे। आज की ये पयामे अमन कॉन्फ्रेंस अल्लाह ताला इसको हुस्न खूबी के साथ अंजाम तक पहुंचाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निकल पाएगी कहाँ आपकी बातों की तफसीर मुद्दत तक, तसव्वुर में रहेगी आपकी तस्वीर मुद्दत तक।